मैं सिमरन, स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही पुरानी स्टोरी लेकर आई हूं। आप सभी ने ये स्टोरी सुनी होगी, पर आज हम फिर से एक बार और ये स्टोरी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक भेड़ की मुलाकात एक पिंजरे में बंद शेर से हुई। शेर पिंजरे में बंद होने के कारण काफी दुखी था और रोते हुए बिलकते हुए उसने भेड़ से कहा कि भेड़ उसे पिंजरा खोलकर आजाद कर दे, और उसके बदले में उसने भेड़ से यह वादा किया कि पिंजरे से आजाद होते ही वे भेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़ सोच में पड़ गया। यह देख शेर बार बार उससे आग्रह करता रहा। फाइनली भेड़ ने फैसला किया कि वे शेर को पिंजरे से आजाद करेगा, और जैसे ही उसने पिंजरे का दरवाजा खोला, शेर ने बाहर निकलते ही भेड़ पर धावा बोल दिया, उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया। भेड़ घबरा गया, और घबराते ही उसने शेर को उसका वादा याद दिलाया। जब भेड़ और शेर दोनों इस पर बातचीत कर रहे थे, तो जंगल के कुछ जीव जंतु वहां से गुजरे। उन्होंने शेर और भेड़ की बातें सुनने का फैसला किया, और वे सारे इकट्ठा होकर शेर के पास जाकर खड़े हो गए। भेड़ ने अपने हिस्से की बातचीत सुनाई और शेर ने अपने हिस्से की। परंतु शेर जंगल का राजा था, और उसकी ताकत देखकर सारे जीव जंतुओं ने शेर को सही घोषित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि शेर सही है और भेड़ गलत। परंतु उन सारे जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिमान कछुआ वहीं खड़े होकर सारी बातें ऑब्जर्व कर रहा था, सुन रहा था। कछुए ने अपनी इंटेलिजेंस को यूज किया और शेर से कहा कि क्यों ना वे इस पूरी बातचीत का अभिनय करके दिखाएं। यह सुनते ही शेर बहुत एक्साइटेड हो गया और तुरंत ही पिंजरे के अंदर चला गया, जैसे कि वे पहले था बंद कैद पिंजरे के अंदर। शेर जैसे ही पिंजरे के अंदर गया, कछुए ने तुरंत ही पिंजरे का दरवाजा लगाया और शेर को अंदर बंद कर दिया। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हम कई प्रकार के अन्याय होते हुए देखते हैं, परंतु दूसरे की ताकत को देखते हुए हम हमेशा चुप रहने का फैसला कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर ये अन्याय आज किसी और के साथ हो रहा है, तो कल यही अन्याय हमारे साथ भी हो सकता है। जब हम किसी भी छोटे या बड़े अन्याय को देखकर उसका विरोध नहीं करते, तो हम भी उसी अन्याय में सहभागी बन जाते हैं।